ओके बिस्मिल्लमीम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आ थर्टी टू ईयर ओल्ड मैन ओके अ थर्टी टू ईर ओल्ड मैन यानी ये यंग इंडिविजुअल है यंग इंडिविजुअल है ये ओके यंग इंडिविजुअल है और इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया ऑटोमोबाइल से एक्सीडेंट हो गया ओके okay. ठीक हो गया और उसकी हेड की इंजरी आई है और हेड की इंजरी के बाद इसने कॉन्शियसनेस को लॉस किया थोड़ी देर के लिए लेकिन फिर अलर्ट हुआ और फिर इसके बाद दोबारा उसकी कॉन्शियसनेस क्या कर गई डिक्लाइन कर गई इसको हम बोलते हैं हम ल्यूसिड इंट्रावल ओके ल्यूसिड इंट्रावल ल्यूसिड इंट्रावल क्या होता है ल्यूसिड इंट्रावल ये होता है कि एक पेशेंट को ट्रॉमा हुआ ट्रॉमा के बाद ओके कॉन्शियसनेस डिक्रीज़ हुई कॉन्शियसनेस डिक्रीज होने के बाद उसकी कॉन्शियसनेस रीगेन होगी और फिर उसके बाद कॉन्शियसनेस वापस डिक्रीज़ होगी तो जो टेम्परेरी रीगेन ऑफ कॉन्शियसनेस होती है इसको बोलते हैं ल्यूसिड इन ट्रबल और ये आपको देखने को मिलता है एपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा के अंदर ओके इसके बाद हम आगे चलते हैं पल्स इज थर्टी एट ओके ब्रेडिकार्डिया हो गया है हाइपर टेंशन हो गया है स्लो इरेगुलर ब्रीदिंग है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है एक ट्राइड को पूरा किया हुआ है इसको बोलते हैं हम कुशिंग ट्राइड ओके तो हम आ जाते हैं कुशिंग ट्राइड ओके यानी इसका इसका ब्रेडिकाडिया हुआ हुआ है ओके ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है और इरेगुलर रिस्पायरेशन है इसको बोलते हैं हम कोशिंग ट्राइगेट कोशिंग ट्राइट क्या इंडिकेट करता है रेस्ट आईसीपी को इंडिकेट करता है इंट्रा प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है इसके बाद है कि वो डीप पेन को स्टिमुलेट डीप पेन स्टिमुलेशन से भी नहीं जाग रहा इसका मतलब कोमे में चला गया है तो डायग्नोस किया कियापीड्यूरल हिमाटोमा तो ये डिजीज किससे एसोसिएटेड होता है ओके डिवलपमेंट ऑफ क्रेनियल नर नंबर थ्री पॉलिसी क्लियर अब हम सारे एक्सप्लेशन uh, को पढ़ लेते हैं तो पेशेंट को एपीड्यूडल हीमाट्रोमा था क्योंकि पेशेंट को हेड ट्रोमा हुआ हेड ट्रोमा के बाद रैपिड न्यूरोलॉजिकल डिटोरिएशन है मतलब उसको बेहोश हो गया लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ फिर उसके बाद ल्यूसिड ट्रबल हुआ किसकी कॉन्शियसनेस रिगेन होगी और इसका उसमें इंट्राक्रीनल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो गया इंट्राक्रीनल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुशिंग ट्राइट होता है हाइपरटेंशन, टेंशन ब्रेडी इरेगुलर ब्रीदिंग है उसको क्वेश्चन टॉयेट कहते हैं जो कि रेस्ट आईसीपी में देखने को मिलता होता है ओके तो मोस्ट लाइकली क्या हुआ है उसका टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर हुआ है टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर होने की वजह से मिडल मिनंजियल आर्टरी डैमेज हो गई है और एपीड्यूरल हिमाटोमा हो गया ठीक हो गया और एपीड्यूरल हिमाटोमा में ल्यूसिड इंटरवल होता है जिसमें पेशेंट कॉन्शियसनेस को रीगेन कर लेते हैं ओके ओके okay, लेकिन जैसे जैसे इंटरक्रीनर प्रेशर बढ़ता रहता है उनके कॉन्शियसनेस लेवल भी डिक्लाइन होता रहता है इन्वेस्टिगेशन और चॉइस क्या होगा नॉन सीटी स्कैन जिसमें बाईकस बाई कन्वेक्स शेप लियन होगी ओके जो कि स्यूचर को क्रॉस नहीं करती अब जो ग्रोइंग हिमाटोमा है यानी जो हिमाटोमा होता है इंट्राक्रीनियल हिमाटोमा ये क्या होता है ये मेडिकल एमरजेंसी होता है क्यों क्योंकि ये एक्सपांड करेगा आईसीपी को बढ़ा देगा जब रेस्ट इंट्राक्रीनियल प्रेशर होगा तो वो या तो सेल कॉर्टस को कंप्रेस करेगा या फिर दूसरे स्ट्रक्चर को हर्नीएट कर जाएगा ओके ठीक हो गया जब रेस्ट आई होता है तो जो अनकस होता है एक साइड का वो ट्रांस टेंटोरियल हर्नीशन यानी टेंटोरियम सेरिबलाई से हर्नीएट कर जाता है यानी अगर राइट right साइड का अनकस है ओके वो हर्नीट कर जाएगा और वो इपसी लाइटरल ओकुलो नर्व की कंप्रेशन करा देगा दिस इज कॉल्ड ओके अंकल हर्निएशन तो जो अंकल हर्निएशन होती है वही आईसीपी पी की वजह से होती है और इसकी वजह से क्या देखने को मिलता है थर्ड नर्व पालसी और थर्ड नर्व पालसी होगा तो पेशेंट का जो प्यूपिल होगा फिक्स्ड डायलेटेड होगा और डाउन एंड आउट प्यूपिल होगा बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं हिमाटोमा डेड क्रॉस फ्यूचर लाइन तो ये सब ड्यूरल हिमाटोमा होता है सब ड्यूरल हिमाटोमा बूढ़े लोगों में होता है ड्यू टू रपचर ऑफ कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लड इन द सी एस एफ ओके तो ये आपको सब रेकोइट हैमरेज में देखने को मिलता है इसमें बैरी एनोरिजम रपच्चर होता है और इसमें वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ की हिस्ट्री आती है हैमरेज इन बेजल गैंगलिया ये नॉन ट्रोमेटिक होते हैं और ये मोस्टली जो चार कोड बोचार्ट माइक्रो एनोरिजम होता है डीप पेनिट्रेटिंग आर्ट्री का उसके रपच्चर होने की वजह से होते हैं हाइपर टेंशन वाले लोगों में लास्ट है थ्रोम्बोसिस ऑफ एम सी ए जब एम सी ए का थ्रोम्बोसिस होगा तो आपको आर्म का और फेस का स्ट्रोक देखने को मिलता है